वल्लभ संघाला देखील या स्पर्धेतून बाद केलं होतं पा अमित सर। हाँ धन्यवाद। तो चलते एक बार फिर से मैदान के ऊपर। हेलो पंचान देखी विनंती असेल अपन वेळेनुसार मैच पूर्णपणे फिनिश करायचा आहे। आपल्यापर्यंत 25 मिनिटाचा अवधि असेल। तो सामना स्टार्ट करायचा चला। हाँ बिल्कुल। तो इसी बीच हमारे वरुणा शोषण के बेहतरीन स्कोरर सुनील पाडील मैन फ्रॉम गांवठान, इनके तरफ से ढेर सारी शुभकामना आई है। तो सुनील जी आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं और मैच का अंकों देखा हाल बताने के लिए मैं अमित जी मात्रे मैन फ्रॉम पेंट जोहा से आपकी सेवा के लिए हाजिर हो चुका हूं। तसेच आपण पाहतोय जंबिका रोडपाली टीमचे पॅकर्स या ठिकाणी मात्र महेशदादा पाटील त्यांचं देखील थोड्या वेळात या ठिकाणी आगमन होणार आहे। नक्कीच आपण पाहतोय पाहुण्यांची मांडी आली या ठिकाणी पाहायला मिळते। तसेच आपण पाहतोय व्यासपीठावरती आमचे रमजान शेख साहेब तसेच अनिशेष डोबरी यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे। और गेंद व्हाट इज लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधी अंतरिक्ष यस बैंग धूम धड़का और पहले बॉल पे मार दिया छक्का। इरादा स्पष्ट वीरेंद्र सहवाग साहब जी की मुझे याद आई। छक्के के साथ परेश कड़के के बल्ले से निकला हुआ ये आतिशी स्ट्रोक 6 रन के लिए। दूसरी गेंद रोहित पाटील की और एक बार फिर से इस बार कवर के ऊपर व्हाट अ शॉट, ठोकम ठोक चल रही है इस बार उड़ाया। या दरम्यान प्रेमनाथ शेठ भंडारी उसडणे गावचे मान्यवर देखील आहेत। तर त्या मान्यवरांना विनंती करतोय आपण देखील व्यासपीठा येऊन स्थानापन्न व्हायचं। वाह कड़के की बल्लेबाजी देखिए मैदान के अर्ध दाहिने हाथ के बल्लेबाज ने शायद प्रारंभिक गेंदबाज जो है इस बार रोहित पाटील अंजूर के इनके ऊपर हमला जारी किया। खालडी टीम आप किधर मत जाइए, इसके बाद आपका मुकाबला है इनमें से जीतने वाले मैच के खिलाफ। तीसरी गेंद परेश कड़के के लिए। ओहो हो लेकिन चुका है टाइमिंग, पकड़ जाएंगे। बड़ी मछली जाल में फंसती हुई रोड पाली टीम को लगा चार और बैट्समैन परेश कड़के चले बैक टू द पवेलियन। टीम का स्कोर 10, लॉस ऑफ 1 विकेट के नुकसान पे रोड पाली टीम का स्कोर। फरी 11 और साई 11 क्रिकेट क्लब टोंडरे इनके माध्यम से माननीय सौ उज्ज्वलताई विजय पाटील नगर सेविका ट्रॉफी 2021 आदरणीय हमारे सम्माननीय आयोजक और सभी हमारे शायद बेहतरीन काम करने वाले श्री मच्छिंद्र देवीदास पाटील साहब इनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। और एक बार फिर से इस बार बैक टू द बॉलर खेला है कोई रन ने इस गेंद के ऊपर। बैट्समैन इस बार देखा जाए निखिल कड़के को शायद इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मिला। टीम का स्कोर टोटल देखा जाए तो शायद 10 के घर में रुका हुआ है। परेश कड़के जैसे बल्लेबाज मैदान से बाहर गए, बड़ी मछली जाल में फंस गई। रोड पाली टीम को बड़ा झटका लगा, सफलता मिली गेंदबाज रोहित पाटील को, कॉट एंड बोल्ड कर दिया उन्होंने और ये उड़ाया।
ओ हो क्या ठोका है मिड विकेट के ऊपर से, गगन दमम छक्का, गेंद इतनी ऊपर चली गई है, एयर होस्टेस की पपीले के नीचे आ सकती है। और ये देखिए रिप्ले में देखिए वॉड शॉट, ये एक बार फिर से देखिए, ओ सैंडी पालकर साहब जी की अदाकारी देखिए, आज इतना नखरा है तो बचपन में कितना नखरा था। 16 स्कोर, और ये अपील की, जोरदार अपील की, लेकिन कोई असर नहीं अंपायर के ऊपर। इसी के साथ ये पहला ओवर समाप्त हो चुका है, पहले ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आ चुके 16, एक विकेट के नुकसान पे रोडपाली टीम का स्कोर। काफी शानदार जानदार नगर सेविका ट्रॉफी का आयोजन नियोजन, दूसरे गेंदबाज कौन आएंगे, तब तक के लिए हम सुनते हैं सुमधुर संगीत। बिल्कुल, हमारी साक्षात हमारी देवता आई एकवीरा माता गढ़ करले के ऊपर है। जब भी हमारे ऊपर कोई ऐसा संकट आता है तो तुरंत हमारे माते को जब हम आवाज देता है तो माता तुरंत हमें प्रसन्न होके आती है। ऐसे हमारी साक्षात कराड़ी आगरी कोली बांधो की हमारी ग्राम देवता आई एकवीरा माता का गाना आपने बजाया, आपका स्वागत। गेंदबाज है प्रतीक पाड़ी, सामने बैट्समैन अमित भगत उर्फ बबुल भगत, और ये देखिए कवर के ऊपर खेला हुआ शॉट, प्रोडक्शन अच्छा था लेकिन एक सिंगल लेने में कामयाब बल्लेबाज, और इस सिंगल के साथ स्कोर जाता है 11 के घर में, जब 11 हम आपकी 17 के घर में, ये सेशन थोड़ी सी गलती हो गई, इंसान गलतियों का पुतला है। तो हमारे यहां शायद कृष्णा भाई और हमारे गुलशन भाई मौजूद है, वो हमें बता सकते हैं, और हमारे साथ अभी हमारे रवि निकाल जी आए हैं, बहुत मशहूर आदमी है, उनका भी स्वागत कर रहा हूं। और ये लॉब किया है, मामला बनेगा रवि, इसको जाना पड़ेगा बाहर, और ये देखिए बेहतरीन कैच को लपक लिया और निकल करके भी चले बैक टू द डगआउट। टीम का स्कोर देखा जाए 17, लॉस ऑफ 2 विकेट नुकसान पे, सुंदर गेंदबाजी। पॅवेलियन मधून जो खेळाडू जातो त्याने मात्र लगेच मैदानाकडे दाखल व्हायचा, फलंदाज बाद झाल्यानंतर अन्यथा व्हील घेतल्यास पॅनलाइज केलं जाईल। तर या दरम्यान तोंडरेगावचे सुभाष भवन पाटील त्यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे, तर आपल्या देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक स्वागत। बिलकुल अतिथि देव भव, ये भारतीय संस्कृति का एक सुंदर आदर्श है, इसलिए राज कपूर साहब जी ने एक बात कही थी, कृष्णा भाई महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। नए बैट्समैन 4 नंबर के ऊपर शशि जाधव, क्या गेंदबाजी प्रतीक पाटिल जो आए, क्या कप्तान ने जिम्मेदारी दिया क्या, और उन्होंने सफलता हासिल किया, शानदार कैच ये लॉन्ग ऑन फील्डर ने लिया, विकेट नंबर 2 करके बंधु चले बैक टू द डगआउट आराम करने के लिए। अमित भगत स्ट्राइक के ऊपर हट्टे कट्टे खिलाड़ी, प्रतीक पाटिल की अगेन, और यह बिल्कुल इस बार देखा जाए शायद स्लैश किया है, डीप पॉइंट के ऊपर गेंद चली गई है, द्वारकानाथ चौर के सब्जी का इशारा आया, बेहतरीन चौवा। बिल्कुल सुमधुर संगीत आप सभी ने सुना, टीम का स्कोर पहुंचाए 21 के घर में 4 रन के साथ, शशि जाधव ने खुद का खाता ओपन किया, और व्हाट अ पुल, छक्का है छक्का नहीं यह अट्ठा है।
दुनिया चले पछाड़ी तो मैं चलू अगाड़ी। सब खेल जानता हूं मैं हूं बड़ा खिलाड़ी। दुनिया चले पछाड़ी तो मैं चलू। छह रन के साथ स्कोर जाता है 27 के घर में। शॉर्ट गेंद डाली, इसे ऑन द पुल किया और गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए गई। आजाद मैदान हमारे टोंडरे गांव का, क्या बैटिंग चल रही है और क्या गेंद फेंकी। आगे टप गेंद को फेंका लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन खिलाड़ी थोड़े से फंबल हो गए मगर एक रन लेने में कामयाब। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 28 के घर में। प्रतीक पाटिल जिन्होंने दो गेंदें अच्छी फेंकी थी लेकिन तीसरी और चौथी गेंद के ऊपर दो बड़े हिट आए, यानी कि एक बाउंड्री आया एक छक्का आया, तो शायद अंतिम गेंद बची हुई है। सामना करने के लिए अमित भगत स्ट्राइक के ऊपर है। सैंडी पालकर जी और दरकरा सर जी इस मैच के अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं और ये अच्छी गेंद थी, इसे ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क इतना खासा नहीं हुआ। इशारा आया कि ये दूसरा पावर प्ले समाप्त हो चुका है। पहले ओवर में 16 आए, इस ओवर में 12 आए, यानी कि दोनों गेंदबाजों ने एक एक सफलता हासिल किया अपनी टीम के लिए और यहाँ रोडपाली टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है इस बार देखा जाए 28 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर के बाद। कमांड जी यस, अंपायर साहब उन्हें आप सूचना दीजिए, सूचना देंगे क्योंकि अब 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 18 गेंदों का खेल बाकी है और बड़े मियाँ और छोटे मियाँ जैसी अंपायर की जोड़ी है कृष्णा भाई धारकाना सर और सैंडी पालकर जी। क्रिकेट के लिए धारकाना सर जी ने और सैंडी पालकर जी ने बहुत योगदान दिया है। क्रिकेट ऐसा खेल है दोस्तों, इसकी शुरुआत तो इंग्लैंड ने की है लेकिन हिंदुस्तान के गली गली में आज क्रिकेट बहुत लोकप्रिय बन चुका है। पहले तो क्रिकेट की शुरुआत दमदार हुई लेकिन 25 जून 1983 का विश्व कप जब कपिल देव साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने जीता और उसके बाद तुम्हारा हमारा ध्यान इस क्रिकेट के ऊपर ज्यादा हुआ। हम सल्यूट करते हैं क्रिकेट के पितामह कपिल देव साहब और उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने लॉर्ड्स के मैदान के ऊपर से वर्ल्ड कप लाया, वेस्ट इंडीज को हराया। अगर वर्ल्ड कप लाते नहीं तो हमारा ध्यान इतना होता नहीं। तो चलते हम मैदान के ऊपर, तीसरे गेंदबाज है यानी कि प्रारंभिक गेंदबाज रोहित पाटिल कोटे की दूसरी पारी की तीसरी और ये जोरदार हिट कर दिया है लेकिन क्या कैच होगी। व्हाट ए कैच, देखिए इस फील्डर को उसने कह दिया कि मैं हूं ना, तो काईकोली बीच में आता है आउट खिलाड़ी। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, बिल्कुल शशि जाधव 11 रनों की पारी समाप्त हो गई। टीम का स्कोर देखा जाए 28-3 विकेट के नुकसान पे और हमारे डीजे मास्टर के पास बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, वो बजाकर लोगों का दिल जीत रहे हैं लेकिन उसका भी दिल किसी ने जीता होगा। दाल में कुछ काला है, हंस रहा है, हंसी ना सस्ती है ना मस्ती है, लड़की तब फंसती है जब वो हंसती है। इस बार स्कोर 28 पहुंच चुका है, नए बैट्समैन मैदान के अंदर पहुंच चुके अनिकेत पाड़ी। और पकड़ जाएंगे क्योंकि मुझे जग्गू भाई ने कह दिया कि ये बैट्समैन आउट हो जाएगा। कॉट बिहाइंड विकेट नंबर इस बार देखा जाए चौथा ड्रेसिंग रूम में। धूप में निकलान करो रूप की रानी, तोरा रंग काला न पड़ जाए। हाँ बिल्कुल, क्या गेंदबाजी चल रही, धारदार गेंदबाजी, पहली गेंदबाजी साबित हो रही है और रोहित
पार्टी लिस्ट पर देखा जाए अपने गेंदबाजी के तौर के ऊपर मेरे हिसाब से शायद उन्होंने दो सफलता हासिल किया ऐसा लग रहा है, यानी कि हैट्रिक की बॉल सामना करने के लिए बैट्समैन मैदान के अंदर पहुंचे। सागर पाटिल की हैट्रिक पूरी होगी, गेंदबाज पैनापन दिखा रहे, ये गेंद हैट्रिक की है, सामना करने के लिए तैयार है। और डिफेंस शॉट खेला है, ऑफ साइड के ऊपर सिंगल मिली, पॉइंट खिलाड़ी गेंद के पीछे आए, गेंद को पकड़ा, जब तक के लिए एक सिंगल मिली और इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचे 29 के घर में। गुलशन जी हमारे जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से रन बन रहे और जो दर्शक सामने उनका स्वागत है, जो दर्शक यूट्यूब के ऊपर मैच देख रहे उनका भी हम स्वागत कर रहे। देखिए फॉर्चून इवेंट के शायद उन्हें सब्सक्राइब कीजिए और मैच को देखिए। और एक बार फिर से हवा में जरूर गेंद है, लेकिन यार लगभग देखा जाए लॉन्ग लेग क्षेत्र में गेंद चली गई, इशारा आया 4 रन का। ये देखिए पेट कितना बड़ा है, कौन है स्टैट्यू, अच्छा माफ कीजिए, बिल्कुल। तो 4 रन के साथ स्कोर है 33 के घर पे। और अपील की थी और उंगली खड़ी हो गई लेग बिफोर, इस बार देखा जाए अंपायर के उंगली के सामने बड़े बड़े खिलाड़ियों को झुकना पड़ता है। LBW बैट्समैन वापस जा रहे अनिकेत पाटिल 4 रन बना के, टीम का स्कोर देखा जाए तो शायद 33 इस बार देखा जाए, विकेट मैदान से बाहर गई 4। और ये देखिए हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारे बड़े कैमरामैन जग्गू भाई की अदाकारी देखिए, क्या बात है। और इस आदमी ने, इस शख्सियत ने फॉर्च्यून इवेंट के माध्यम से अपना नाम बड़ा किया है। कृष्णा भाई और जग्गू भाई दोनों ही शायद शाकाहारी है, तो उनका भी हम स्वागत कर रहा हूं नए बैट्समैन मैदान के अंदर। राहुल पाटिल 5 विकेट, रोडपाली टीम का स्कोर 33। राहुल भोईर नए बैट्समैन, बढ़िया गेंदबाजी। और ऑन साइड के ऊपर दिशा दी गेंद को, एक रन चुरा लिया, मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने आए, जब तक के लिए एक सिंगल मिलेगी और सिंगल के साथ स्कोर जाता है 34 के घर में। यानी कि 34 जब आंकड़ा हमारे आंखों के सामने आता है तो जरूर याद आती है उस 34 सैकड़ों की, यानी कि हमारे लीडर मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर साहब जो भारत के भूतपूर्व खिलाड़ी दोस्त, सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले हिंदुस्तान के कौन है, हमारे लिटिल मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर साहब है। सर रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले गेंदबाज कौन है, हमारे कपिल देव साहब है। हिंदुस्तान की ताकत कोई अलग ही है और हमारा हिंदुस्तान देश की इस बार देखा जाए जो ऊर्जा है वो भी कुछ अलग है, लेकिन परिस्थिति रोडपाली टीम की डाउन है, 34 स्कोर बन चुका है 5 विकेट के नुकसान पे। लड़खड़ाती हुई पारी डीजे कमान, बिल्कुल। रोहित पाटिल ने टोटल 22 रन दिए 2 ओवर में और 4 सफलता हासिल किया, बिल्कुल जो बॉलर के लिए जो बाइक रखी है पूरी टूर्नामेंट पे, जो टॉप के गेंदबाज होंगे उन्हें बाइक मिलेगी, ये ध्यान में रखें। सुपर 4 बीर के फाइनल के लिए ऐसा कोई नहीं है, ऑल 5 दिन के टूर्नामेंट में जिसकी शानदार गेंदबाजी उसे वो बाइक मिलने वाली है। ये स्पीड अप कीजिए, सुदर्शन पाटिल चौथे गेंदबाज आ चुके हैं अपनी कोटी की पहली पारी का चौथ, इस बार चौथा ओवर लेके, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर अंपायर तारकनाथ चोरगे साहब जी ने मुझे इशारा दिया कि वाइट आयवा कैच के लिए। दर्शकों को एक सुनहरा मौका है, आयवा कैच को पकड़ो बाउंड्री के बाहर, 200 रुपए का इनाम लो, एक टी शर्ट लेके जाओ, आपका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन तमाम दर्शकों के बिना कहानी क्रिकेट की अधूरी है। जब अर्जुन ने प्रण किया था कि मैं जयंद रथ का वध करूंगा तो उसे गवाह नारायण था, लेकिन हमारे नगर सेविका ट्रॉफी के लिए विशाल जनसमूह इस टूर्नामेंट का गवाह है।
अच्छी गेंद, बैट्समैन ने इस गेंद को छोड़ दिया, जैसे टेस्ट क्रिकेट में रवि ऐसे गेंदे छोड़ते, इसी तरह से इस बैट्समैन ने इस गेंद को छोड़ा, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। 35 स्कोर 35। सुदर्शन पाटिल, राहुल भोईर स्ट्राइक के ऊपर, उड़ गई गई, और मैंने कह दिया आसमानी सुल्तानी छक्का, 150 छक्का मैदान से बाहर गया, और ऐसी ठोकम ठोक होने के बाद रवि निकल जी का चेहरा देख कैसा फूल गया है। मैंने देखा तूने देखा, किसने देखा तुझे देखा। हाँ बिल्कुल, क्या देखा, इतना बड़ा लंबा छक्का देखा। बिल्कुल, तो फॉर्चून इवेंट के माध्यम से हमारे कृष्णा जी मात्रे, रवि निकाल जी, हमारे जगदीश जी पाटिल, हमारे शायद लगभग देखा जाए इस बार महेंद्र निकाल जी या मौजूद है, उनका हम स्वागत कर रहे हैं। यहाँ खराब गेंद चल रही है, अपने पास गति है लेकिन अपने पास दिशा नहीं तो आपकी दशा है, नियंत्रण भरी गेंदबाजी करना पड़ेगी, मगर एक सिंगल के साथ स्कोर जाता है। या 41 के घर में माफ कीजिए 42। और ये लॉब किया है, पकड़ जाएंगे ऐसा लग रहा है, नहीं थोड़ी सी विकेट कीपर की गलती हुई, मगर एक सिंगल लेने में कामयाब, टॉपेज लगा था, एक सिंगल के साथ स्कोर जाता है 43 43, 5 विकेट के नुकसान पे रोडपाली टीम का स्कोर। दो हमारे कैमरे कितने पावरफुल है, देखिए कैमरे की क्लियरिटी कितनी है, मानो यूट्यूब के ऊपर देख सकते, तो फॉर्च्यून इवेंट का दबदबा 5 5 6 6 जगह होते कितना पैसा हुआ, और अंकित की टोली अलग है, भावेश की टोली अलग है, लेकिन इस बार हवा में पकड़ लिया। इस बार देखा जाए लॉन्ग ऑन फील्डर ने शानदार कैच को पकड़ा, और बैट्समैन वापस जा रहे, इस बार देखा जाए सागर पाटिल एक रन बना के वापस, टीम का स्कोर टोटल देखा जाए तो शायद 43। बिल्कुल 43 43 स्कोर बन चुका है, नए बैट्समैन मैदान के अंदर आए, ऋतिक भोई, राहुल भोईर और ऋतिक भोईर सगे भाई, और क्रॉस बैट से मिड विकेट के ऊपर मामला बन गया, और बेहतरीन कैच, बैक टू बैक दूसरा विकेट इस बॉलर ने लिया, और बल्लेबाज को चलता कर दिया। इस बार देखा जाए राहुल भोईर व्यक्तिगत अपनी टीम के लिए 8 रनों का योगदान देके वापस जा रहे, लेकिन सुंदर गेंदबाजी इस बार देखा जाए अंजुर टीम के सुदर्शन पाटिल की। जानता राजा शिवाजी घोड़ावर आगमन होता है संघांत योगदान शांति शेट हिलाला उसने गाँव चाहिए आगमन होता है। मोस्ट वेलकम अपने स्पर्धे मनपूर्वक स्वागत अपन देखी व्यासपीठ स्थान बनवा नक्की। अंतिम गेंद शेष, मेहमानों का स्वागत करना हमारा आद्य कर्तव्य है, और हमारे आदरणीय आयोजक मचिंद्र देवदास पाटिल दादा पूरी तरह से निभा रहे, दुनिया में सबसे खूबसूरत पौधा दोस्ती का है, और वो जमीन पे नहीं दिलों में उगता है। ये इस बार तो पकड़ गया, और या लगभग देखा जाए शायद विकेट तो मुझे लग रहा है हैट्रिक, और ये और हैट्रिक पूरी कर दी, क्या वर्ड गेंदबाजी, इस बार सुदर्शन पाटिल ने हैट्रिक पूरी की, अभिनंदन कर रहे उनके सभी खिलाड़ी, क्या गेंदबाजी की कमर तोड़ कर दिया बैट्समैन को उन्होंने चलता कर दिया, मुझे लग रहा है हैट्रिक सुदर्शन की इस टूर्नामेंट में पहली होगी, पहली टूर्नामेंट पे हैट्रिक किया,
वेल डन। और आपका स्वागत कर रहे, अभिनंदन कर रहे सुदर्शन पाटिल अंजूर के गेंदबाज ने इस नगर सेविका ट्रॉफी के लिए पहली हैट्रिक संपादन किया, अभिनंदन। स्पीड अप करायचे बाकी खेळाडूंनी आणि या दरम्यान तोंडरे गावचे ग्रामस्थ रामदास दादा पाटील त्यांचं देखील या ठिकाणी आगमन आहे। आपल्या देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक स्वागत असेल। आपण व्यासपीठ येऊन स्थानापन्न व्हायचं। अखेरी 6 गेंदे फेंकने के लिए कप्तान इस्तेमाल करने जा रहे अंजूर के इस गेंदबाज को, जिस गेंदबाज का नाम है कृष्ण भाई आतिश मनेरा। और नए बैट्समैन मैदान के अंदर पहुंच चुके, इस बार मेरे हिसाब से विकेट मैदान से बाहर गए 8। जैसे कि तेज आंधी में किसी पेड़ की सूखी पत्तियां बिखर जाते हैं, रवि आयराम गयराम अवस्था। 6 गेंदों में कितने रन इकट्ठा करेंगे, स्लॉग हो रही, ये डेथ हो रही है, दया नहीं माया नहीं, शोर में होती है, ठोकम ठोका हो रही। लेकिन आखिरी गेंदबाज, गेंदबाज का नाम लगभग देखा जाए शायद आतिश मनेरा, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे लखन भोई। आतिश मनेरा लेफ्ट आर्म राउंड विकेट और गेंद को इस खेलने का प्रयास किया मिड विकेट के ऊपर, लेकिन गेंद अच्छी थी, लाइन अच्छी थी, संपर्क हुआ नहीं, डॉट गेंद चली गई। 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है। रोडपाली टीम का टोटल स्कोर देखा जाए 43 रन 8 विकेट के नुकसान पे, ये पारी का अंतिम ओवर चल रहा है, 5 गेंदे शेष है। दाएं बाएं हाथ के बल्लेबाज है तो इस बल्लेबाज के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर रखा दिया है कैप्टन ने, और ऑन साइड के ऊपर लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी तैनात है और बाकी खिलाड़ी इस दायरे के अंदर एक। ये देखिए गेंद को देखते नहीं है, गेंद किस टप्पे के ऊपर पड़ती है, कौन सी एरिया में गेंद पड़ती है वो देखते नहीं है, बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलने का प्रयास करते। गेंदबाज ने पूरी तरह से बैट्समैन को शायद अपने नजरअंदाज में रखा है, दिमाग में रखा है। 2 गेंदे बैक टू बैक डॉट चली गई, टीम का स्कोर इस बार रोड पर टीम का स्कोर 43 8 विकेट के स्थान पे। बढ़िया रनअप दौड़ना शुरू कर दिया इस बार देखा जाए इस गेंदबाज ने, शायद अंपायर को पार करते हुए तीसरी गेंद निकलकर आगे इस बार देखा जाए 3 गेंदे लगातार डॉट चली गई है। बैट्समैन या देखा जाए शायद लखन भोईर को पूरी तरह चकमा दिया है, 3 गेंदे डॉट खाई है लखन ने, टीम के लिए हानिकारक है। आने वाली 3 गेंदे शेष है, क्या 3 गेंदों के ऊपर बड़े हिट आएंगे, बड़ी धूप देखिए। तो या दरम्यान तोंडरे गावचे ग्रामस्थ गोविंद बुवा पाटील आणि तसेच दत्तबुवा पाटील या दोन्ही मान्यवरांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे, तर दोन्ही मान्यवरांच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक स्वागत असेल। बिल्कुल, पहले दिन में 2 लगातार मेडन ओवर फेंके थे और ये लॉब किया है, लेकिन मामला बनेगा, लॉन्ग ऑन वाले आए रास्ते में, लिया कैच, 3 गेंदे डॉट यानी कि चौथी भी गेंद डॉट खाई, 4 गेंदे डॉट पे गई और चौथी गेंद के ऊपर सफलता हासिल किया बैट्समैन को चलता कर दे लखन भोईर। इस बार देखा जाए बिना अंडा तोड़ के बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा गाना। जो मेडन ओवर हो जाता है वो अक्षय कड़ू डोंगरेचा पाड़ा, इन्होंने देसाई के खिलाफ फेंका था, पहले दिन और पहली मैच थी। अब हम देखते हैं कि शायद जब सुदर्शन ने 3 गेंदों के ऊपर 3 सफलता लिया और उसके बाद ये 4 गेंदे शायद आतिश ने फेंक दी तो टोटल 7 गेंदे डॉट गई। और एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर खेला है लॉन्ग ऑन, खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, 1 रन चुरा लिया, जा इस बार मैदान के क्षेत्र में आए लॉन्ग ऑन खिलाड़ी जिन्होंने गेंद को पकड़ा, 1 सिंगल के साथ स्कोर जाता है यहाँ 44 के घर में। अंतिम जोड़ी मैदान के अंदर है, डगआउट के अंदर बैठे हुए, शांत रहिए। तो या दरम्यान जैम्बिका टीम चे पैकर्स महेश दादा पाटील आणि तसेच गोरख शनिवार शेठ पाटील त्यांचे देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे, तर मोस्ट वेलकम, आपल्या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक स्वागत असेल। जैम्बिका टीम रोडपाली टीमचे पॅकर्स कीच आपण पाहतो महेश दादा पाटील त्यांच्या सवेद गोरख दादा पाटील त्यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे, तर दोन्ही मान्यवरांच्या
या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक स्वागत असेल. तर या दादा पण व्यासपीठ येऊन स्थानपण व्हायचं आहे. अंतिम गेंद शेष, फुल टॉस गेंद, लेकिन मिड विकेट की एरिया में यह भी कैच और ऑल आउट. पूरी तरह से बिखर गई है टीम, ऑल आउट हो गई है. और क्या गेंदबाजी की है, तो मुझे लग रहा है कि पहले दिन में क्या ऑल आउट हुई थी, कल ऑल आउट हुई थी और आज टोंडरा ऑल आउट हो गई थी. आज लगभग देखा जाए रोडपाली टीम पूरी तरह से इस बार देखा जाए ऑल आउट हो गई है. क्या सुमधुर गेंदबाजी की अंजुर के गेंदबाजों ने, उसमें एक गेंदबाज सुदर्शन पाटिल की शानदार गेंदबाजी, उन्होंने 3 सफलता यानी कि हैट्रिक पूरी कर दिया इस नगर से.